अरे खाओ पियो मस्त रहो। ये जेलस है तुमसे, ये टूथब्रश भी मेरी शक्ल पे ये लग गया है भगवान। फिर अगले दिन से खाओ पियो। Guys, good morning. Welcome back to my today's vlog. आज सुबह से मेरा दिन इतना खराब जा रहा है ना, मैं सुबह उठी आज 9 बजे, 8 उठी, of course 9 बजे कौन सी जल्दी होती है। तो मैं बाहर देखा ना, बादल लगे हुए थे, काफी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, मैंने अच्छा मौसम है, वॉक करने चलते हैं। बट फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर में चलेंगे, मौसम तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अच्छे खासे बादल थे। मुझे लगा 9 बजे ऐसे तो 10 बजे भी ऐसे ही होगा। सो आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, मैं अपने थोड़े काम करने लग गई। वो वॉक हर डिले होता रहा, 9 के 9:30 बज गए, 9:30 के 10 बज गए। मैं 10 बजे भी पता बादल लगे थे, मैं शूज वूज पहन के तैयार हुई, जैसे ही मैं निकलने लगी वैसे ही सूरज देवता की एंट्री हो गई थी और मेरा वॉक का मूड सारा खराब हो गया। धूप में वॉक करने में क्या मजा आता है। फिर मैंने थोड़ा सा घर में वर्कआउट कर लिया है एंड अब हम चलते हैं करने के लिए ब्रेकफास्ट। सो फॉर ब्रेकफास्ट वी हैव चीले, जो कि गर्मा गर्म बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ये ठंडे हो चुके हैं चीले, क्योंकि यार मैं वर्कआउट कर रही थी और मम्मी ने तब बना दिए थे और मम्मी जोर से दरवाजा पीछे खट 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 कर जाए। मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी। मम्मी ने कहा ठंडा हो जाएगा, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडा मैं खा लूंगी, मैं पापा की तरह नहीं हूँ। पापा को गर्मा गर्म खाना चाहिए होता है और अब ये चीले इतने ज्यादा ठंडे हो गए हैं, चलो खा ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पेट में ही तो जाना है। ठंडे चीले आर द वर्स्ट। हेलो गाइस, मैं एकदम नहा धो के तैयार हो गई थी, मतलब बहुत पहले हो गई थी। अभी तक पता है मैं क्या कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, मतलब हाँ बहुत ज्यादा पढ़ा है क्योंकि मंडे को एग्जाम है बेटा। मंडे को मेरा एग्जाम, जो पिछले मंडे एग्जाम होना था पर बारिश की वजह से जो पोस्टपोन हो गया था, वो अब अगले मंडे के लिए पोस्टपोन हो चुका है। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी और मस्त तैयारी हो चुकी है, नहीं हुई मस्त तैयारी कर रही हूँ अभी भी। थोड़ा और बारिश हो जाती, थोड़ा और एक्सटेंड हो जाते, क्या कैंसिल ही हो जाते, क्या एक्सटेंड। तो भाई और बहनों, मैं तैयार हो रही थी जिम जाने के लिए और जिम जाने से बस कुछ ही देर पहले मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई, मतलब एकदम ऐसी भूख की चक्कर ही आ जाएंगे यार, कुछ खाया नहीं तो कुछ तो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। अब अच्छे में क्या ही मिलता मुझे डाइटिंग में, तो मैंने फिर अपने लिए अभी ये भेलपूरी बनवा ली है। तो वैसे मुझे पता है यार जिम जाने से एकदम पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, पर क्या करूँ, एकदम ऐसी क्रेविंग हो गई ना कि क्या बताऊँ, एकदम वो जबरदस्त वाली क्रेविंग नहीं हो जाती कि बस कुछ तो चाहिए वरना मैं यहीं गिर के पड़ जाऊंगी, अब बिना खाए तो मैं जा ही नहीं सकती। पता है ना, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं मैं तड़पती हूँ जिम जाने के लिए, लाइक मैं सुबह से वेट करती हूँ कब ये दिन खत्म होगा, मतलब कब शाम होगी, कब मैं जिम जाऊंगी। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मेरा मन ही नहीं करता है जिम जाने का, मतलब 6:30 हो चुके हैं, अभी तक मुझे जिम में होना चाहिए था और मैं अभी तक बस तैयार ही हो रही हूँ जिम के लिए क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का। पर ऐसे ही दिनों में हमें खुद को पुश करना होता है, हमें खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे वेट लूज करना है। और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे शरीर का हर अंग दुख रहा है, हर अंग लिटरली, मेरे पैर भी दुख रहे हैं, मेरे पैर में भी क्राम्स है, मेरे शोल्डर में भी क्राम्स है, ट्राई मतलब कुछ तो जिस अंग का नाम लोगे ना, मेरा हर अंग शरीर का दुख रहा है, बट फिर भी मुझे जिम जाना है, मुझे खुद को मोटिवेट करना है। ज्यादा ही मोटिवेशन हो गई, पर चलो चलते हैं जिम चलते हैं। अगर तुम्हें भी मेरे को देख के थोड़ी सी मोटिवेशन आती है जिम जाने के लिए तो लाइक करो। आज हम जिम में क्या लगाएंगे, आज हम जिम में लगाएंगे लेग्स, मतलब मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मुझे आज लेग्स लगानी चाहिए, पर टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता है वर्कआउट, वर्कआउट चलता है जिम में भीड़ देख के, जो भीड़ ज्यादा कर रही है। अगर 6-7 लोग लगा रहे हैं चेस्ट तो हमें लगानी है बैक, क्योंकि फिर बैक कम लोग लगाएंगे, अगर लोग बैक लगा रहे हैं तो मुझे शोल्डर्स लगाने हैं, तो ऐसे करना है। जो अगर मेरे टाइम टेबल के हिसाब से वो नहीं कर सकते हम, वरना जिम में खड़े रह जाएंगे, मशीन का टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसे स्मार्ट मूव करना पड़ता है। अगर चेस्ट लगा रहे हैं तो हम बैक लगाएंगे, अगर वो शोल्डर लगा रहे हैं तो हम चेस्ट लगाएंगे, ऐसे सिस्टम चलता है। तो अगर आज ज्यादा लोग लेग लगाएंगे तो हम फिर कुछ और लगाएंगे। मम्मा मुझे जिम नहीं जाना, चलो हम घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। ऐसे डीमोटिवेटिंग लोगों से कोसों दूर रहो अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान। मैंने कहा जिम जाने का मन नहीं है, कहती है चलो घूमने चलते हैं। आपको मोटिवेट करना चाहिए, बेटा जिम जा, बेटा वर्कआउट कर, ये कह रही है चल छोड़ मत जा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, ये नहीं चाहते आपका वेट लॉस हो, ये जेलस है आपसे, इनसे कोसों दूर रहो, अपना जिम जाओ, वर्कआउट करो बढ़िया। अरे खाओ पियो मस्त रहो, इनकी मत सुनो, खाओ पियो मस्त रहो, नहीं ये जेलस है तुमसे, ये आप लोगों से जेलस है, अगर आपके घर वाले ऐसा कहते हैं तो ये सिर्फ जेलस है और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खाए पिए ऐश करे। हाँ
पता है क्या सीन है, जब मैं खा पी रही थी बढ़िया तो वर्कआउट नहीं करती, मोटी हो रही है, अब जब मैं नहीं खाती हूँ, खा ले बेटा क्या हो गया, एक से कुछ नहीं होता। इनका सीन है अगर मैं दो आलू के पराठे खा लूं तो कुछ नहीं होगा, तू वॉक करके आ जाना, सब डाइजेस्ट हो जाएगा तेरे दो आलू के पराठे। आज मेरी बालकनी से इतना मस्त व्यू आ रहा है ना पीछे का, मतलब पता पर बहुत अच्छा व्यू कहाँ आता है, मेरी जिम से ना बहुत प्यारा सनसेट दिखता है, अगर आज टाइम मिला तो दिखा दूंगी, मुझे तो लग रहा है मैं सनसेट के बाद ही पहुंचूंगी जिम, जिस रफ्तार से मैं निकल रही हूँ जिम के लिए, बट बहुत अच्छा सनसेट दिखता है मेरे जिम से। ये मुझे कप मिला था मेरी स्कूल की 10th की फेयरवेल में, ये मुझे गिफ्ट किया था, इसमें मेरी मम्मी ने बाहर वॉशिंग मशीन में टूथब्रश रखे है, वो भी पुराने जो किसी काम के नहीं है, वाह मम्मी मेरी शक्ल पे ये रखा है इन्होंने, इतनी हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ उसपे हर जगह, मतलब मेरी बालकनी में ये टूथब्रश भी मेरी शक्ल पे ये लग गया है, भगवान इतनी प्यार से स्कूल वालों ने दिया, ये यूज कर रहे हैं मम्मी उसका, इज्जत ही नहीं है भाई, कोई इज्जत ही नहीं है, वो नॉर्मल कॉफी मग में कॉफी है और ये कॉफी मग में टूथब्रश है, और ये दे रही है मम्मा ने मुझे ब्लैक कॉफी, पीती नहीं हूँ निगलती हूँ, मतलब वही अब पीने लायक तो ये होती नहीं है, ए गिर गए तुम लोग, चीज गाइस लेट्स गो 1 2 3 जय माता दी। चलो अब जिम चलते हैं, अब ठीक है मुझे पता है जैसे मेरा मन नहीं कर रहा था जिम जाने का, बट अब मैं तैयार व्यार हो गई हूँ, निकल गई हूँ तो ठीक है, अब मन कर रहा है, नहीं जाती तो गिल्ट काफी होता। ठीक है मैं और मेरे दोस्त हम लोग बस हम नीचे थोड़ा वॉक कर रहे हैं, स्लाइड, हाय हाय सबसे गंदी चीज लगती है मुझे, यहाँ बच्चे अनन्या की हाइट का फायदा ऐसे उठाते हैं, अनन्या उठा ले फॉक्सी गाइस वी बैक होम, हाय गाइस, हेलो, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ, मेरे ब्लॉग में आ रहे हो तुम लोग तो देखना, ये तो ऐसे आ गई, क्या है ये, फिर ले आई कैमरा, पापा को दिखाते हैं, हेलो पापा यार ये क्या इतना कितनी शिद्दत से आम खा रहे हैं यार पापा, मैचिंग टी शर्ट है ना, लाइक पापा को हमने ना बहुत मोटिवेट करा था, मैं पापा को बहुत मोटिवेट करती थी कि पापा डाइट फॉलो करो, वॉक पे जाओ, पापा मोटिवेट हुए एक दिन पापा गए भी वॉक के लिए, एक दिन में पापा अपने अगले दिन जूते भी ले आए वॉकिंग, और उसके बाद बारिश हो गई, और उसके बाद बारिश, चलो बारिश भी हो गई, सब हो गया, धूप निकली, फिर क्या हुआ, पापा गए नहीं अगले दिन से, पापा ने इतना सुना दिया सबको कि 10 बजे सो जाओ, तुम्हारा तो कोई काम नहीं है, मुझे सुबह वॉक पे जाना होता है, तुम सब तो सवाल सी हो, ओ भाई साहब डाइट भी करी पापा ने एक दिन, फिर अगले दिन से फिर अगले दिन से मैं जब भी पापा को कहती हूँ ना, पापा जब भी मुझे कुछ ऐसा खाते दिख जाते, मैंने कहा पापा डाइट, पापा कहते तेरी माँ खिला देती है मुझे, तेरी माँ मेरे लिए बना देती है, पापा का फंडा क्लियर है, डाइट वाइट चाहे भाड़ में, जिंदगी में मजे करो, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल बार किसे दा दुखायो ना, ये पापा की जिंदगी का फंडा है, अपने पेड़ के आम, अच्छा हाँ ये दादी के घर से आया ना, वहाँ के आम में कैसे मिस कर सकता हूँ, एग्जैक्टली पता है दादी कितनी शिद्दत के साथ ये आम देती है, हाँ। दादी ताऊ जी कितनी दादी तो का पंगा, आम तोड़ने में दादी का कितना पंगा होता है, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन डू व्हाटएवर द बेस्ट यू कैन डू, बाय बाय, खाओ पियो ऐश करो मित्रों।